अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जी अशरफ प्लम्बर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ न्यू काम के साथ। जी आज मैं तशरीफ़ लाया हूँ न्यू शाह शमस कलोनी मुल्तान में, अंकल जमील साहब के घर। ये उनका पिछले दिनों मैंने जो है ये गीज़र लगाया था, और ये जो था ये नेचुरल था। आज इसके मैंने जेट चेंज किए हैं और इसको जो है LPG पे कन्वर्ट किया है। और ये गीज़र जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है, और इसके अंदर दो दो गैस कोयले हैं, एक ये वाली है, एक इसके नीचे है, और वाटर ट्यूब भी जो है इसकी तकरीबन 14 लीटर वाली लगी हुई है, और चैम्बर जो है वो इसका 6 लीटर का है। 6 वाला इसका चैम्बर है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये गीज़र है, और वेट भी जो है इसका बहुत हैवी ड्यूटी है। ठीक है जी, ये अब इसके जेट मैंने चेंज किए हैं, ये ओके हो गया। अब इसकी फिटिंग करने लगा हूँ, और इंशाल्लाह फिर इसको चला कर चेक करते हैं और जो कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये अब तंग तो नहीं करता, अब इसकी फिटिंग करने लगा हूँ। फिटिंग कर फिर इसको जो है इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं हम, इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलता है। ठीक है जी, और ये इसकी फिटिंग जो है ये तकरीबन लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। इसको बंद कर रहा हूँ। अब इसको फिट करके जो है मैं फिर आपको चेक करवाता हूँ, इसका प्रेशर भी और इसका शोला भी। ये इस टाइम जी गीज़र मैंने जो है अब लगाया है, इसका टॉप दोबारा से मुझे खोलना पड़ गया, क्योंकि इसलिए कि इसके अंदर गैस जो है ना बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहा था। मैंने कहा शायद हो सकता है कोई सेंसर की तार वगैरह तो नहीं निकल गई इसकी, लेकिन अब ये बिल्कुल एक्टिवेट है, ये आप देख सकते हैं जी। और रेगुलेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रेशर दे रहा है, रेगुलेटर जो है ये चेंज करेंगे, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको हमारा काम हमारा वर्क अच्छा लगा है, इस टाइम जी बिल्कुल एक्टिवेट हो गया है। ठीक है जी, आपको अंदर इसके शोला नज़र आ रहा होगा। अगर आपको हमारा काम हमारा वर्क अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो आप हमारे साथ कमेंट करें। शुक्रिया।